बीजक के ज्ञान चौथीसा प्रकरण पर सद्गुरु कबीर ने हिंदी वर्णमाला के 34 अक्षरों पर दो दो पंक्ति की चौपाइयां कही हैं और उन अक्षरों को माध्यम बनाकर अत्यंत कल्याणकारी उपदेश दिया है। उनमें यह अक्षर पर वे कहते हैं, यया निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयाना पियेहु, जहां देखता आप भजाऊ जहां नहीं तहां तन मन लाऊ, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है तहां ले पहचानी। यह अक्षर मानो कहता है या यह अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर कहते हैं, निग्रह स्नेहु, स्नेह का स्नेह का मोह का निग्रह करो, त्याग करो। भवबंधन कहीं बाहर नहीं है, भवबंधन केवल हमारे मन का मोह है। मोह मिट जाए तो भवबंधन सुख गया, खत्म हो गया। और मोह बनाने की आदत है हमारी, जहां थोड़ी अनुकूलता मिली, जहां कुछ अपना माने वहां मोह बन गया। लोग यह भी कहते हैं कि यदि मोह न करें तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। मोह से परिवार का पालन पोषण नहीं होता, परिवार का पालन पोषण होता है कर्तव्य कर्म करने से। मोह करो और कर्तव्य कर्म ना करो तो परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। काम करने को कोई रोकता थोड़े है। किसी भी संत ने, चाहे वे किसी मत पंथ संप्रदाय के और किसी देश काल के हों, यह नहीं कहा है कि आदमी को अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना चाहिए, रक्षा व्यवस्था नहीं करना चाहिए, या आदमी को किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना चाहिए। दुनिया में जितने भी बड़े संत हुए हैं, महान संत हुए हैं, सब कर्मठ रहे हैं। जीवन पर्यंत वे कर्मशील रहे हैं। सद्गुरु कबीर भी जीवन पर्यंत कर्म कर रहे हैं, कर्म करते रहे, कर्म करो पक्षधरता उन्होंने की है। तो कर्म करने से कोई रोकता थोड़े है। कर्म करना बंधन का कारण भी नहीं है।
बंधन का कारण है आसक्त लोभ मोह। आसक्ति लोभ मोह को छोड़कर कर्म करें, काम बढ़िया बनेगा और काम करते हुए भी कल्याण साधना भी बनती चली जाएगी। तो मोह से परिवार का पालन पोषण नहीं होता, कर्म करने से होता है। और कर्म करने के लिए कोई रोकता नहीं है। मोह तो केवल गले की फांसी है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना खेत खलिहान यह मानना पड़ता है। बिना माने व्यवस्था नहीं होगी, सुरक्षा नहीं होगी। तो केवल व्यवस्था सुरक्षा के लिए अपना मानना होगा, लेकिन अपना मानते हुए भी ये समझना होगा कि इनका और हमारा संबंध बहुत थोड़े समय के लिए है। किसी का किसी से कोई मौलिक संबंध नहीं है, मान्यता का संबंध है, सामाजिक व्यवस्था का संबंध है बस। सभी जीव अपने अपने कर्मपथ की यात्रा में चल रहे हैं। हम सब पथिक हैं, कर्म की यात्रा में चल रहे हैं। यात्रा में जब जाते हैं तब अनेक लोगों से संपर्क संबंध तो होता ही है। ट्रेन में यात्रा करो, बहुत से लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, कभी कभी साथ में खाना पीना होता है, एक दूसरे के सामान की रक्षा भी करना होता है, कोई तकलीफ हो गई तो सेवा भी करना होता है। ये सब करना होता है, लेकिन सब जानते हैं जिसका जिसका स्टेशन आता जाएगा वो उतरता चला जाएगा, कोई रोएगा नहीं, मालूम है पहले से। ऐसे ही इस जीवन की यात्रा है, ट्रेन बस प्लेन की यात्रा कुछ घंटों की होती है, जीवन की यात्रा कुछ वर्षों की होती है, समय का अंतराल है बस, लेकिन है यात्रा दोनों। जीवन की यात्रा में मिल गए हैं माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बंधु आदि, लेकिन है सब पथिक। जिसका प्रारब्ध पूरा होगा उठ करके चल देगा, चाहे तुम रो चाहे हंसो, सुखी हो चाहे दुखी हो, उसे कोई मतलब नहीं होगा आपके सुख दुख से। पथिक समझ करके, हम स्वयं पथिक हैं, पत्नी पथिक है, पति पथिक है, भाई बंधु पथिक है, माता पिता पथिक, सब पथिक हैं, सब पथिक समझ करके दूसरे का सेवा सहयोग करें, दूसरे की रक्षा व्यवस्था करें, प्रेम समता एकता का व्यवहार करें, ये सब करना बंधन नहीं बनेगा। बंधन है अपना मान लेते हैं, जब अपना मान लेते हैं तब फिर उसको सुखी बनाए रखने के लिए गलत सही काम भी करते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं कि छूटे ना, बिछड़े ना, विरोधी ना हो जाए, हमसे अलग ना हो जाए। भय करना अपने को दुखी करना है, और जितना मोह होगा
उतना भय होगा कि छूटे ना, विरोधी ना बन जाए, विमुख ना हो जाए, मोह ना करो। ये समझ ले, जिसका जितने समय के लिए मन है उतना समय के लिए उनका संबंध है। सारा संबंध मन से होता है, अत्यंत प्यारा से प्यारा है, उसका मन बदल गया तो ही विरोधी हो जाएगा। घर में देखते हो कितने बेटा बेटे माता पिता विरोधी हो जाते हैं, माता पिता बेटा विरोधी के विरोधी हो जाते हैं। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो पति पत्नी विरोधी हो जाते हैं, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो गुरु शिष्य विरोधी हो जाते हैं, गुरु भाई विरोधी हो जाते हैं। स्वार्थ पूरा होते तक संबंध है, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो संबंध खत्म। और हम मान लेते हैं ये हमारे हैं, कौन किसका है? थोड़े समय का संबंध, हाँ, ये थोड़े समय का जो संबंध है इसको अच्छा से अच्छा बना करके रहे। छूटना तो पक्का है, किसी का किसी से स्थायी संबंध नहीं, छूटना पक्का है। जब छोड़ना ही है तो प्रेम से छोड़े, संबंध जोड़ना हो तो प्रेम से संबंध जोड़ो, संबंध निभाना है प्रेम से निभाए, संबंध तोड़ना है तो प्रेम से तोड़े, इसमें क्लेश नहीं होगा। संबंध जोड़ लिए, साथ साथ रह रहे हैं, चिड़ चिड़ कर शिकायत करके, खींच खींच करके, दूसरे की बुराई देख करके, संबंध रहते रहते भी सुखी नहीं है, और लड़ झगड़ करके संबंध तोड़े तो बैर विरोधी गांठ बन गई, एक दूसरे को जब देखोगे तो मन जलता रहेगा, क्या फायदा है? इसलिए संबंध प्रेम से जोड़ें, प्रेम से निभाएं और प्रेम से तोड़ें। प्रेम से संबंध तोड़ेंगे जब एक दूसरे से मुलाकात होगी तो उबेगा नहीं मन, शिकायत नहीं होगी, वहां भी प्रेम हो गया। तो प्रेम का व्यवहार सबसे, जिन लोगों के साथ रहना होता है उनके प्रति जिम्मेदारी के निर्वाहन प्रेम से, कर्तव्य भावना से, सेवा भावना से। लेकिन मोह कहीं नहीं, मोह ही बहुत सागर है। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए, सदगुरु कबीर कहते हैं भव सागर से वही उबरेगा जिसके मन में मोह नहीं होता। इसलिए मोह ही भव सागर है, मोह खत्म, भव सागर खत्म। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी मानसिक व्याधियों का मूल, मानसिक क्लेश, मानसिक पीड़ा का मूल मोह है। तो व्यवहार मोह छोड़ करके ज्यादा अच्छा होगा। मोह व्यक्ति विशेष के लिए या कुछ लोगों के लिए होता है, प्रेम सबके लिए होता है, सबके लिए प्रेम करें आप। यहां सदगुरु कहते हैं निग्रह स्नेह, स्नेह का निवारण कर, स्नेह स्नेह मोह का त्याग कर दो। मोह का त्याग करेंगे काम बढ़िया होगा, संबंध भी बढ़िया निभेगा, न उसमें खींच होगी, न चिढ़ होगी, न शिकायत होगी। कोई आदमी अलग हो भी जाएगा तो दुख नहीं होगा। अब अलग होना है, चाहे आज अलग हो जाओ चाहे कल अलग हो जाओ, होना तो है। तो मोह रहने पर अलग होते हैं तो दुख, मोह नहीं है
तो कोई दुख नहीं होगा। ठीक है भाई, अब कम्मन कर निर्वार संदेह। सदगुरु कहते हैं संदेह का निवारण करो। हर आदमी का मन संदेह से पीड़ित, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी होए, संशय द्विधा अनिश्चय भ्रम संदेह सब एक ही जैसी बात है। संदेह संशय ने सबके मन को तोड़ दिया है। जैसे लकड़ी में घुन लगता है, अंदर से घुन कीड़ा लकड़ी को चाल कर एकदम खोखला कमजोर बना देता है, और बाहर ऊपर ऊपर से लकड़ी बहुत चिकनी साफ सुंदर मजबूत दिखाई पड़ती है। ऐसे ही संदेह सबके मन को चाल चाल करके खोखला कर देता है, फिर किसी पर विश्वास नहीं रहता। संदेह अनेक प्रकार के होते हैं। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे कि आदमी को पहला संदेह तो होता है अपने माने गए लोगों पर, जीवन निर्वाह के लिए बुढ़ापा में बेटे बहू सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, रोग लग जाएगा तो सेवा होगी कि नहीं होगी, अंतिम समय में कोई मुख में पानी डालने वाला होगा कि नहीं होगा, खेती डूब जाएगी, नौकरी छूट जाएगी, व्यापार बंद हो जाएगा तो जीवन निर्वाह कैसे होगा, अनेक संदेह। सब जी खा रहे हैं, आप जी खा क्यों रह सकते हैं? हर जीव अपने साथ अपनी तकदीर अपना प्रारब्ध लेकर के आया है। और इतना विश्वास रखो कि जब तक जीवन है तब तक आपको खाने पीने के लिए मिलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है और कमी होगी भी नहीं। लेकिन व्यर्थ संदेह, अभी तो खा पी रहे हैं, अभी मकान में रह रहे हैं, अभी सेवा हो रही है, अभी सब अपना काम धाम कर रहे हो, तो वर्तमान में ठीक करते चलो, आगे भी सब ठीक होता रहेगा। संदेह करना, चिंता करना, न हुए दुख को भोगना है। आदमी वास्तविक दुख से कम दुखी है, काल्पनिक दुख, झूठा दुख, न हुआ दुख उससे ज्यादा दुखी है। सोच करके वास्तविक दुख क्या है, मान लो शरीर में भी रोग है, पीड़ा हो रही है, मान लो भी खेती पूरी चौपट हो गई, तो ये कहा भाई कि हाँ आदमी दुखी है, तो इससे कम दुखी है आदमी, आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, सोच सोच कर कल्पना कर करके दुख ज्यादा है आदमी को। वर्तमान का दुख कम परेशान करता है। वर्तमान में कोई दुख आ गया है तो उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, परहेज करो, संयम करो, उपाय करो, दुख दूर हो जाएगा। और अभी ठीक ठाक काम करते चलोगे तो
तो आगे के लिए चिंता कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब से जन्म लिया है तब से आदमी खाता आ रहा है। शायद ही कभी ऐसा हो कि आदमी को भूखा सोना पड़े। अब मजबूरी बस ना खाया हो, उपवास रह लिया हो, इतना काम करने का अवसर पड़ गया हो, यात्रा में ऐसा कुछ समय हो गया हो कि वहां भोजन ना मिला हो, वो मजबूरी अलग है। कुछ परिस्थिति विशेष में न खाया हो आदमी तो बात अलग है। ऐसा भी हो जाता है आदमी, कभी कभी घर में गुस्सा, घर में लड़ाई हो गई, पिता पुत्र में लड़ाई होगी, पति पत्नी में लड़ाई होगी, दोनों गुस्सा के मारे नहीं खाए, वो तो तुम्हारी बेवकूफी है, गुस्सा के मारे नहीं खाए तो। लेकिन वैसे समान रूप से शायद ही कभी आदमी को आज तक भूखा सोना पड़ा हो। जब से जन्म लिया है तब से आज तक खाता आया है, लेकिन सदैव सोचता है कि आगे क्या खाऊंगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कौन है? दुख है। कौन दुख दे रहा है इसको? अपना बना दुख है ना ये। संदेह, संदेह करके आदमी दुख भोग रहा है। प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों पर विश्वास रखो। जीवन भर खाने के मिलेगा और इतना मिलेगा जितना खा नहीं पाओगे। दूसरा संदेह आदमी को होता है, इतनी बड़ी दुनिया कौन चलाता होगा? अरे चलाने वाला जाने, तुम कहाँ चिंता कर रहे हो, कोई होगा तो अपना चलाता होगा, कैसे बन गया होगा? शायद आप होते ना तो उसको बताते हैं ऐसा बनाओ कह करके। दुनिया को देख करके संदेह होता है। क्यों? जड़ चेतन के गुणधर्मों का बोध न होने के कारण मैटर द्रव्य अनादि है, और अनादि मैटर में, अनादि द्रव्य में उसके गुणधर्म अनादि है, उनमें गति और क्रिया अनादि है। कोई भी भौतिक द्रव्य कभी गतिहीन नहीं हो सकता, कभी उन अपने गुणधर्मों को छोड़कर रह नहीं सकता। तो जब द्रव्य अनादि है, उसके गुणधर्म अनादि हैं, उनमें गति क्रिया अनादि है, तो अनादि जड़ तत्वों के, अनादि द्रव्यों के अनादि गुणधर्मों और क्रिया से अपने आप सृष्टि का काम चल रहा है। उसके बनाने वाले की कल्पना करके दुखी होने की क्या जरूरत है? व्यर्थ सोच सोच करके आदमी, अरे दुनिया में जन्म लेकर के आ गए हो, कैसे सुख से जीना है, कैसे दुनिया में आकर के दुनिया की सेवा करना है, कल्याण का काम करना है, ये सोचो और काम करो। दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, कब तक रहेगी, ये व्यर्थ का रोग पालो मत। कितने लोग इसी चक्कर में पड़ रहे थे, जहां जाएंगे यही पूछेंगे, महाराज दुनिया कब बनाई, कितने बनाई, जितने बनाई होगी, आपको क्या मतलब उससे? दुनिया में पैदा तो हुए हो, पैदा होकर जो काम करना चाहिए करो। अब मान लो दुनिया बनाने वाले पता चल गया तो क्या जाकर झगड़ा करोगे कि बंटवारा करोगे उससे? लेकिन संदेह व्यर्थ आदमी पाल लेता, संदेह आदमी को यह भी होता है
कि मरने के बाद मेरा अस्तित्व हो रहेगा कि नहीं रहेगा। आज तो हम हैं, मरने के बाद क्या होगा, हमारा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। नचिकेता ने भी ये प्रश्न किया था यमाचार्य से। कठोपनिषद में यमाचार्य और नचिकेता का लंबा संवाद है और वहां यमाचार्य ने नचिकेता को आत्मतत्व का बोध दिया है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अतितेज के नायमस्त चेके। नचिकेता प्रश्न करते हैं यमाचार्य से कि विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ होता है संदेह। नचिकेता कहते हैं लोगों के संदेह है कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। कुछ लोग कहते हैं रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। तो इस सब समय संदेह रहा है। मान लो हमारा अस्तित्व इस शरीर तक ही है, शरीर के पश्चात सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो दुख किस बात का होगा? शरीर है, आज शरीर है, आज तो जी रहे हो, आज जो काम करना चाहिए वो काम करो, व्यवहार का, परमार्थ का, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ बचेगा नहीं। जब हम रहेंगे नहीं तो हमें पता क्या चलेगा कि दुनिया चल रही है कि नहीं चल रही है, कि सुख है कि दुख है, कि घाटा है कि मुनाफा है, हमें पता नहीं चलेगा। सब कुछ खत्म ना, तो क्यों भयभीत होते हो? आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है तो मरने से भय क्यों? जब जीवन, जो जीवन दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से, परेशानियों से, समस्याओं से, प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है, उस जीवन को जीने में आपको डर नहीं लग रहा है तो जो मौत सब कुछ का समाधान कर देगी उससे भय क्यों? जीते जी खाने पीने की चिंता, बाल बच्चों की चिंता, कामधाम की चिंता, घर द्वार की चिंता, ये क्या चिंता, वो चिंता, मरोगे सब समाप्त हो जाएगी, चिंता खत्म हो जाएगी, भय क्यों कर रहे हो फिर? जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो चिंता किस बात की? निश्चिंत रहो। और यदि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है तो मरोगे नहीं तो चिंता क्यों करते हो? आत्मा तो अमर है ना। यदि आत्मा पर विश्वास करते हो कि मैं अमर आत्मा हूं तो तुम तो मरोगे नहीं, तुम्हारा अस्तित्व सब समय बना रहेगा, तो संदेह क्यों करते हो, भय क्यों करते हो? यदि शरीर के रहने न रहने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो चिंता करना, भय करना, संदेह करना केवल अज्ञान है, बेकार है। और शरीर के नहीं रहने पर हमारा अस्तित्व रहेगा, आत्मा अमर है, तो भय करना बेकार। दोनों स्थिति में भय करना बेकार है। लेकिन आदमी को संदेह मरने के बाद क्या होगा, अरे जो होगा सो होगा, ये सोचो कि मरने के पहले हमें क्या होना चाहिए। मरने के पहले जो होगे और मरने के बाद भी वही होगे। गाढ़ी नींद में आप सो गए, दो घंटे के लिए मर गए, ये गाढ़ी नींद क्या है? प्रगाढ़ निद्रा, जब कुछ भी याद नहीं रहता है, अपने शरीर की भी याद नहीं रहती है गाढ़ी नींद में। अपने घर में सोया हूं कि बाहर सोया हूं, पलंग पर सोया हूं कि जमीन पर सोया हूं, कुछ भी याद रहती है, सब कुछ भूला है। तो गाढ़ी नींद दो घंटा तीन घंटे लगी, उतने समय के लिए आप मर गए, दुनिया से कोई संपर्क नहीं रह गया। लेकिन जागने पर आप कुछ बदल जाते हो क्या?
सोने के पहले जो आप रहते हैं, जागने के बाद भी वही आप होते हैं, बदलते नहीं हैं। अनपढ़ आदमी सोने के पहले जैसे अनपढ़ है, जागने के सोकर जागने के बाद भी अनपढ़ ही रहेगा। जो विद्वान है, ज्ञानी है, सोने के पहले जैसे विद्वान और ज्ञानी है, जब गाढ़ी नींद से होकर उठेगा तो भी विद्वान और ज्ञानी ही तो रहेगा, जैसा वैसा रहेगा ना। गाढ़ी नींद सोने के पहले जो स्त्री है, सोकर उठने के बाद वो स्त्री ही रहेगी। जो पुरुष है, वो सोकर उठने के बाद पुरुष ही रहेगा। क्या बदल जाएगा? कुछ बदलेगा नहीं। ऐसे ही आज जो आप हैं, मौत के बाद भी वही आप होंगे। तो मौत के बाद क्या होगा, ये चिंता मत करो। मौत के पहले हमें क्या होना है? यदि मौत के पहले दुखी हो तो मरने के मौत के बाद भी दुखी रहोगे, क्योंकि कर्म गलत है। दुखी क्यों हो? मुंह बना करके, रोग बनाकर, बैर बनाकर, ईर्ष्या बनाकर, द्वेष बनाकर, गलत कर्म करके दुखी हो, इनका परिणाम मरने के बाद मिलेगा। जहां जाओगे वहां दुखी रहोगे। यदि आज प्रसन्न हो, शांत हो, सुखी हो, संतुष्ट हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, सत्य प्रेम का व्यवहार कर रहे हो, निर्भय हो, तो आशंकार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो मरने के बाद भी जहां जाओगे सुखी ही रहोगे। क्यों चिंता कर रहे हो मरने के बाद क्या होगा? सारी चिंता मरने के बाद के लिए है। धर्म के क्षेत्र में तमाम प्रकार का जो भय और प्रलोभन है, वो मरने के बाद के लिए है। यहां दान करोगे तो मरने के बाद ऐसा मिलेगा, वहां ऐसा वैसा होगा, वैसा होगा, यहां पुण्य करोगे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। आज भले जीत, आज जीते जी नरक भोगो, लेकिन स्वर्ग का प्रलोभन, आज स्वर्ग में जीना क्यों नहीं चाहते? मरने के बाद स्वर्ग चाहते हो ना, तो आज स्वर्ग में रहना क्यों नहीं चाहते? आज स्वर्ग में रहोगे तो मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये चिंता मत करो। आज जीते जी अपने आप को नरक से बचाओ और जीते जी स्वर्ग में निवास करो। यदि मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, खींच, शिकायत, पश्चाताप में डूबा है, जहां रह रहे घर में गाली गलौज, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, कल्पना में रह रहे हो, तो आज आपके लिए प्रत्यक्ष नरक है। चिंता में, तनाव में, क्रोध में, द्वेष में भरा है, इससे बड़ा नरक और क्या होगा? इस नरक से छुटकारा कैसे मिले? इसको आज करोगे कि मरने के बाद करोगे? मरने के बाद ये उपाय नहीं कर पाओगे। आज अपने आप नरक से बचाओ। आपस में सुंदर व्यवहार है, प्रेम है, एकता है, समता है, मीठी वाणी, कोमल वाणी से बात करते हो, दूसरे को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरे को देखकर चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। मन शांत है, संतुष्ट है, अंतर्मुख है, निर्मल है, कोई विकार मन में नहीं, हर समय निर्भय बना है मन, आज स्वर्ग है। ये स्वर्ग जीते जी कैसे बना रहे? काम इसके लिए करो, लेकिन नहीं, आज लड़ लड़ करके जीवन बिताते रहे, चिंता में, तनाव में, बैर में, विरोध में, वासना में डूब करके बिता रहे हैं जीवन, और सोच रहे हैं कि मरने के बाद नरक, मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। कैसे स्वर्ग मिल जाएगा? मरने के बाद मोक्ष होगा कि क्या होगा? आज बंधन में हो तो मरने के बाद बंधन में रहोगे, आज मुक्त हो तो मरने के बाद भी मुक्त रहोगे। मरने के बाद मोक्ष की कल्पना क्यों करते हो?
जीते जी मोक्ष होने का मुक्त होने का काम क्यों नहीं करना चाहते? मरने के बाद मोक्ष मिलेगा? झूठी बात। साधो जीवत ही करो आशा, मुए मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास। जो गुरु कहते हैं कि मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, तो गुरु झूठे हैं, क्योंकि आज बंधन में हो ना। बंधन क्या है? मोह, राग, आसक्ति, वासना, चिपकाहट। तो मरने के बाद तो ये सब रहेगा, और आज कहीं मन चिपका नहीं, किसी के लिए मोह नहीं, आसक्ति नहीं है, बुरे संस्कार नहीं है, तो आज मुक्त है। लेकिन तमाम गुरु लोग ये कहते हैं आज ऐसा करो वैसा करो मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, झूठी बात। और मरने के बाद मोक्ष दे दे करके कितने गुरु भटका रहे हैं। तमाम ऐसे गुरु हैं जो ये कहते हैं तुम हमसे दीक्षा ले लो, हमसे नाम दान ले लो, उसके पश्चात तुम चाहे जैसा करो, चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जैसा रहो, जब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अभी चक्कर में पड़कर के लोग उस गुरु से जुड़ गए और कहीं कोई कर्म सुधार नहीं, बल्कि और गलत कर्म लगे। गुरु ने कह दिया है चाहे हमसे नाम देकर, नामदान लेकर, दीक्षा लेकर के चाहे जैसा करते रहना तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, और पाप में डूब गए आदमी। इससे बचना होगा। कोई गुरु आपको मोक्ष नहीं दे सकता है। मोक्ष किसी गुरु की झोली में पड़ा हुआ नहीं है कि जाओ और मुंह फाड़ो और मुट्ठी मांगे गुरु आपके मुख में मोक्ष डाल दे, जा बेटा मोक्ष हो जा। गुरु मोक्ष का रास्ता बताते हैं बस। जिसे मुक्त होना है उस जीव का पता बताते हैं, जीव का बोध कराते हैं। जीव जिस बंधन में बंधा हुआ है उस बंधन की परख कराते हैं और मोक्ष का रास्ता बताते हैं बस। जीव का पता बताना, बंधन की परख कराना, मोक्ष रास्ता बताना, यही गुरु का मोक्ष देना है, और कोई मोक्ष देना नहीं है। तो बात यहां यह है करु निर्वार संदेह। सदगुरु कहते हैं सभी प्रकार के संदेह का त्याग कर दो। संदेह केवल पीड़ादायक है। सही बोध न होने पर संदेह होता है, और अपने कर्म पर, पुरुषार्थ पर, साधना पर विश्वास न रहने से संदेह होता है। जिसे जड़ और चेतन के गुणधर्मों का सही बोध हो गया है और ये पता हो गया है कि मेरा जो स्वरूप है जड़ तत्वों से सर्वथा विलक्षण, सर्वथा पृथक असंग है, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मैं न व्यापक हूं, न व्याप्य हूं, न कारण हूं, न कार्य हूं, न अंश हूं, न अंशी हूं। व्याप्य, व्यापक, कारण, कार्य, अंशांशी भाव से सर्वथा रहित, निर्विकार, अखंड, अकेला, असंग हूं। किसी से मेरा कोई तात्विक संबंध नहीं है। इस बोध के पश्चात सब तरह से जो निष्काम होता चला गया, और जीवन में जो भी करता है शुभ करता है, अशुभ कुछ नहीं करता, उसे अब न आज संदेह है और न आगे के लिए मरने के बाद संदेह है। और जीते जी होगा, जियत न तरु मुए का तरी हो, जीते जी ने तरह तो मरने पर क्या करेंगे। तो संदेह केवल अज्ञान, अविद्या की उपज,
आलस्य की उपज, सारे संदेह का त्याग करके निर्भय होकर के और निश्चिंत होकर के जीवन जियो। जो करो शुभ करो, इतनी सावधानी पूर्वक काम करो कि मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए, किसी को किसी प्रकार का दुख न होने पाए, मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार बंधन न होने पाए। किंतु ऐसा काम करो, सोचे कि मेरे द्वारा जब हो दूसरे को सुख मिले, सुविधा मिले, शांति मिले, कल्याण का रास्ता मिले, बस संदेह खत्म। संदेह की आवश्यकता क्या है? नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप ये हो। साहब कहते हैं कि जिसे तुम देखते हो कि वो तुम्हारा साथ होने वाला नहीं है, जो तुम्हें कभी तुम्हें मिलने वाला नहीं है, उसके पीछे मत भागो, ये तुम्हारी परम बुद्धिमानी होगी। अब हम ऐसे क्या चीज है जिसके बारे में सोचें कि हमारे साथ चलने वाला नहीं है और हमें मिलने वाला नहीं है, वो क्या है? साथ में क्या नहीं चलेगा? दुनिया की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं चलेगी, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं चलेगा, वो भी यहीं रह जाएगा। तो इनको अधिकार में करने की चेष्टा न करो, ये बुद्धिमानी होगी। हम जानते हैं कि हमारे साथ में कोई नहीं जाएगा, लेकिन हम सब पर अधिकार की भावना रखना चाहते हैं, मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ हमारे प्रतिकूल ना हो, हमारे विरोध ना हो, ये हमारी मूर्खता है। सदगुरु कहते हैं जो तुम देखते हो कि तुम्हारा साथ नहीं जाएगा, उसके पीछे दौड़ो मत, उसको अधिकार में करने की लालसा मत करो। अधिकार में करने की लालसा करोगे तो केवल चांटे खाना होगा। तो दुनिया की कोई चीज हमारे साथ चलेगी नहीं, तो यही किसी यहां की चीजों को यही छोड़ दो। जीते जी मोह छोड़ दो, छोड़ना क्या है? मोह छोड़ना, राग छोड़ना, आसक्ति छोड़ना, ये छोड़ना है। बाकी जब तक जीवन है तब तक तो खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, कपड़े पहनने पर उपयोग करना पड़ेगा, ये सब बंधन के कारण नहीं है। तो साथ कुछ जाएगा नहीं, सोच लें किसके साथ कौन क्या गया। पहले जमाने में ये रिवाज था, खास करके मिस्र आदि में, वहां जब कोई राजा मरता था तब जब उसको दफनाया जाता था तब उसके साथ महीनों वर्षों तक खाने पीने की चीजें दफना दी जाती थी। रुपया पैसा सोना चांदी, उसके जितने नौकर चाकर और जितने रानियां थे सब जिंदा दफना दिया जाता था, ये सब साथ जाएंगे। लेकिन कौन साथ जाएगा? वो भले एक साथ दफना दिए गए हों, लेकिन सभी जीवों की कर्म गति अलग अलग होती है। हमारी कब्र के में हमारे लाश के, हमारी लाश के साथ सोना चांदी हीरे मोती और खाने पीने की चीज गाड़ दे, वो साथ थोड़े जाएंगे हमारे साथ, जहां तहां पड़े रह जाएंगे। कोई उस कब्र को खोदे खोदेगा कभी तो उसे मिल जाएगा, बस हमारे साथ क्या जाएगा? तो नहीं देखिए नहीं भाजिया, जिसे देखते हो कि तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला है उसके पीछे दौड़ो मत, उसको अधिकार में बस में करने की चेष्टा मत करो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। लेकिन हम मूर्ख बन जाते हैं, बस में करने अधिकार में करने के लिए रात दिन हैरान रहते हैं। और जो कभी नहीं मिलेगा, जिसे देखते हो मिलने वाला नहीं है, मिल भी नहीं सकता है, उसे पाने के लिए मत दौड़ो। वो क्या है? बाहर से सुख,
बाहर से शांत, बाहर से मोक्ष, बाहर से मिलने वाला ईश्वर ब्रह्म परमात्मा वो कभी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कल्पना कर लो ऐसा भगवान मिलेगा, वैसा भगवान मिलेगा, वो भगवान कहीं नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला है। हाँ, किताबों में मिला है, किताबों में तो बहुतों को मिला, हकीकत में किसी को नहीं मिला और न मिलेगा। क्यों? वो है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। लेकिन उसके पीछे सब दौड़ रहे हैं, सब उसके पीछे हैरान। साहब ने विजय में साक्षी कही है, रविशति प्रेरित दृष्ट तीन लोक में है नहीं जाने तक लो सृष्टि पाली। कुछ अधूरी बात नहीं आ रही है, जिसे आज तक चंद्रमा और सूरज के प्रकाश में देखा ही नहीं गया, तीन लोक में जो है ही नहीं, फिर भी पूरी दुनिया के पीछे हैरान है वो कौन है। वो माना गया ईश्वर, माना गया ब्रह्म, माना गया परमात्मा, वो कभी आपको मिलने वाला नहीं, कभी उसे मुलाकात नहीं। क्यों? वो आपकी मन की कल्पना है। लेकिन देखो अधिकतम धर्म वाले, अधिकतम धार्मिक लोग उस भगवान को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। बस भगवान मिल जाए, कृतार्थ हो जाएंगे। किसको मिला है भाई? ये तो कह दिया गया है, बड़े से बड़े गुरु से पूछ लो। कितने गुरु कहते हैं बेटा भगवान के लिए, भगवान केवल भाव का भूखा है। तुम्हारे जितनी भक्ति होगी, जितनी विनम्रता होगी, जितना तुम भगवान के लिए रो, गिड़गिड़ाओ, पुकारो भगवान को, जितना तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, भाव भक्ति रखोगे, भगवान तुम्हें निश्चित दर्शन दे देगा। डरो मत, हिम्मत ना हारो, भगवान जरूर दर्शन देगा। उस गुरु से पूछो, महाराज हम तो साधारण आदमी हैं, बाल बच्चे गृहस्थी के मोह जाल में पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। आपने तो भगवान पाने के लिए घर द्वार ही छोड़ दिया है, बचपन में छोड़ दिया है। आप तो भगवान भक्ति करते हैं, आपको भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा गुस्सा हो जाएगा, कहे भागो यहाँ से बेवकूफ, हमसे हमसे बात करते हो। अरे उनको जब नहीं मिला, जब घर द्वार छोड़कर आए हैं, तुमको कैसे मिल जाएगा? तो है ही नहीं, मिलेगा कैसे? साहब कहते हैं उसके पीछे दौड़ो मत, उसी कल्पना में पढ़ करके अपना अस्तित्व को खो मत। वो है ही नहीं, मिलेगा कहां? लेकिन कितनी हैरानी दुनिया, चाहे जहां जाओ, जिस मत में, जिस संप्रदाय में, जिस धर्म पोथी को पढ़ो, भगवान से मिलने बात, भगवान से मिलने बात, भगवान से मिलने की बात। और कहा यह जाता है भगवान मिल जाएगा तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। एक क्षण के लिए भगवान मिला, एक क्षण के भगवान दर्शन हो गए, तुम्हारा सब दुख खत्म, तुम्हारी सब पीड़ा खत्म, एकदम जीवन कृतार्थ हो जाएगा। केवल कहानी है, केवल कहावत है। कौन कौन कृतार्थ हुआ है भाई, कोई उदाहरण बताओ। कहानी जैसा कहती है, पांचों पांडव भगवान मिले थे ना, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण परब्रह्म कला कला कौता दुनिया भर के मालिक, रोए रोए में अन्न ब्रह्मांड लटका है भगवान के। वो भगवान कृष्ण शुरू से ही पांडवों को मिल गए थे। पांडवों कौन दुख खत्म हुआ? एक क्षण भगवान दर्शन होता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। पांडव कितने कृतार्थ हुए? 12 साल जंगल में भटकते रहे, भगवान काम आया। अज्ञातवास करते रहे, भगवान काम आया। 18 दिन महाभारत में दादा बाबू संत को छल कपट कर भगवान मरवा दिए, काम आया। पांडवों के जीवन में ऐसा कौन सुख मिला पांडवों को कि भगवान मिलने से कहा जाके जीवन कृतार्थ होता है? केवल दुख दुख, और मरने बाद पांचों पांडव नरक में गए। भगवान पाने का फल यही है, नरक में जाना। मैं नहीं कह रहा हूं, कहानी कह रही, महाभारत कह रहा है।
जब एक क्षण भगवान मिल जाता है तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। पांडव कितने कृतार्थ हुए, कौशल्या कृतार्थ हुई है कि कई कई कृतार्थ हुई है कि दशरथ कृतार्थ हुए हैं, तड़प तड़प कर मर गए दशरथ, भगवान तो मिले थे ना बेटा रूप में, कहां कृतार्थ हुआ दशरथ कौशल्या, कहां कृतार्थ हुई भगवान की पत्नी सीता, कहां कृतार्थ हुई, जंगल जगह भटकती रही बिचारी, दुखी दुखी दुखी, और आपको भगवान मिल जाएगा, कृतार्थ हो जाओगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामायण कह रही है और तमाम ऐसे हैं। आध्यात्मिक भगवान मिले थे ना, शरीर में डूब करके सबको जीवन छोड़ना पड़ा, नहीं पड़ा है। रावण को भगवान मिल गए थे ना, किरदार हुआ था रावण, बालू को मिले थे, सुग्रीव को मिले थे, सूर्पनखा को मिले थे, पुतना को मिले थे, किसको किसको मिले, सबको तो मिले थे, कौन किरदार हुआ। कहते हैं मरने के बाद नरक में गए, अरे मरने के बाद नरक में गए छोड़ दो, जीते जी हालत क्या हुई है। हाँ मरने के बाद आप जाना चाहते स्वर्ग में ना, तो भगवान पाने के लिए भटको। बात यह है कहीं मिलने वाला नहीं है, जिसे पाकर कृतार्थ हो जाओ। साहब कहते नहीं देखे नहीं भाजिया, जिसे तुम आज तक देखे ही नहीं हो और देख भी नहीं पाओगे, जो तुम्हें मिलेगा नहीं उसके उसकी कल्पना में पढ़ करके भागो मत, ये तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। जो है उसको समझो, अपने आत्मअस्तित्व को समझ लो। अपने आत्मअस्तित्व को समझ लेंगे ना तो भटकने की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम तथ्य समझना नहीं चाहते, पुरुषार्थी बनाना नहीं चाहते, कल्पना के लड्डू खाना चाहते हैं। कल्पना के लड्डू से कभी किसी का पेट भरेगा नहीं, यथार्थ की सूखी रोटी खाओ तब उससे पेट भर जाएगा। सत सदैव कड़वा होता है, रूखा होता है, निरस होता है, लेकिन काम उसी से बनेगा। झूठ चाहे कितना मीठा हो जाए, कितना स्वादिष्ट लगे, कितना सुंदर लगे, उससे काम बनने वाला नहीं है। झूठ का मोह छोड़कर सत्य को पकड़ लेना, यही आदमी की हमारी और आपकी सबकी बुद्धिमानी होगी। तो इया निग्रह स्नेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयाना पिय हो। ये छोटी छोटी दो पंक्तियां हैं लेकिन सदगुरु ने इसमें सब कुछ कह दिया है। मोह का त्याग करो, संदेह का निवारण करो, और जिसे नहीं देखते हो कभी, जो तुम्हें मिलने वाला नहीं है उसके पीछे भागना छोड़ दो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी। बाकी बुद्धिमानी दुनिया की चीजों को बटोरने की सलछदमा करना, ये बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी नरक में डुबा देगी। वास्तविक बुद्धिमानी है मोह संदेह का निवारण और भ्रम कल्पना के पीछे न दौड़ना। जब ये हो जाएगा तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहीं स्वर्ग मोक्ष परमात्मा सब मिला मिलाया है, समझना है, अनुभव करना है और उसमें जीना है। बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।